गाउँ शहर सारा गुन्जाउने यो हो रेडियो सानभी 96.4। नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन, अभेरी व देखत बानी रेडियो सानवी की प्रस्तुति कार्यक्रम आमने सामने। कार्यक्रम आमने सामने के साथ हम कार्यक्रम प्रस्तुता विशाल यादव रौरा लोगन के साथ उपस्थित हो चुकल बानी। समसामयिक विषय पे निरंतर चर्चा रेडियो सानवी के साथ कार्यक्रम आमने सामने के साथ रौरा लोगन सुन रहा बानी और देख रहा बानी। और आज हमने विशेष समसामयिक विषय पर ही बात करम सन। और आज हमने के साथ में जसपा पार्टी के पर्सा जिला के अध्यक्ष राम नरेश यादव सर हमने के साथ में बानी। सबसे पहले वहाँ कार्यक्रम आमने सामने में स्वागत कर जाए। स्वागत बड़े सर कार्यक्रम आमने सामने। धन्यवाद। का हो रहा बड़े सर, कथी में बिजी बानी लगना अभी? अभी के परिवेश देख रहा बानी, हमने के देश संघीय और प्रादेशिक चुनाव में चल गई बा, चुनाव घोषणा भी हो गई बा, समानुपातिक के उम्मीदवारी भी दर्ता हो गई बा। ओकरा संगे संगे जौन अभिन के पांच दलीय गठबंधन बा देश में, पांच दलीय गठबंधन के सरकार सत्ता भी चला रहा बा, सरकार भी चला रहा बा, और आगामी चुनाव जेंगे हमने का स्थानीय चुनाव में बहुत जगह गठबंधन के साझा उम्मीदवार दे के हमने चुनाव लड़ने सन जीतनी सन, कहीं सोचल अनुसार परिणाम भी ना आए। लेकिन आवे वाला जौन संघ और प्रदेश के चुनाव बा, एमे देश में एगो स्थायित्व खातिर, देश में एगो संघीयता के स्थापित करे खातिर, देश में जौन विगत के प्राप्त जौन उपलब्धि बा, शहीद लोग के जौन एगो सपना लेके माओवादी के जनयुद्ध के सपना कहीं, हमने के मधेसी जन अधिकार फोरम के बेरा से आज जनता समाजवादी पार्टी बनने तक के अवस्था में जौन ई मधेश के भूमि में मधेश विद्रोह भइल, मधेश आंदोलन भइल, क्रांति भइल, सैकड़ों लोग शहादत प्राप्त कैलक, उ लोग के सपना के साकार करे खातिर जौन विगत के सरकार, इससे पहले वाला सरकार कहीं केपी ओली के सरकार कहीं जौन एगो असंवैधानिक कदम चललक, स्वेच्छाचारी नीति देश में लागू करे के चलक, संघीयता के समाप्त करे के चलक, ओकरा के रक्षार्थ आवेला चुनाव में गठबंधन करके हमने के पांच दल जाइल जाओ कह के हमने के पांच दल के सहमति पत्र भी जारी भइल। वही तहत आज देश में का रहल बाकी 165 को प्रदेश सभा और 330 को सातु प्रदेश के प्रदेश सभा सदस्य लोग के सीट पर व्यापक कुछ दिन से ही समझी के जौन पांचों दल के मिला के जौन 11 सदस्यीय एगो कार्यदल बनल बा, वो कार्यदल गहन छलफल करके और कौन सीट कौन पार्टी के दिया में छलफली चल रहा बा, जौन अपना रात दिन सुन रहा बा, एक चलते अभी हमने संगे संगे प्रतीक्षा में भी बानी सन पार्टी का डिसीजन करता, दोसर संगठन भी अपन बना रहल बानी सन, संगठन जनता के साथ पार्टी के नेता कार्यकर्ता भी हर एक क्षेत्र में परिचालित भी बा। पर्सा जिला में गठबंधन होके के कितना अवस्था रहल बाटे? गठबंधन तो करीब करीब 100% हम बुझी 100% जब देश में ही गठबंधन करके जाए के बाद, तब पर्सा जिला ओकरा से बाहर नहीं के, 77 जिला के भीतर के एगो जिला है पर्सा जिला। ऐसे गठबंधन में पर्सा जिला भी गठबंधन में ही चुनाव हुई, चुनाव जाए जो नेता लोग के भर्सन आ रहा बा, रोज के होमवर्क जो हो रहा बा, गृह कार्य हो रहा बा, ऐसे साबित होता कि पर्सा जिला में ही भी गठबंधन से ही हमने चुनाव लड़म सा। पर्सा जिला से गठबंधन हुई, 77 जिला में गठबंधन हुई, जहाँ तक रुआ लोग रुआई बात कह रहा बानी, पर्सा जिला में गठबंधन हुई तो पर्सा जिला से रुआ, पर्सा जिला के जिला अध्यक्ष बनी जसपा पार्टी के, पर्सा जिला में कौन कौन क्षेत्र में रौरा पार्टी दवा दिले बाटे? वास्तव में 74 के चुनाव में हमने के पार्टी और राजपा के ओबरा तत्कालीन राजपा के संगे गठबंधन से चुनाव लड़ने सन, पांच गो प्रतिनिधि सभा में के तीन गो चार गो प्रतिनिधि सभा में हमने तीन गो में हमने के लड़नी सन और जीतनी सन, आठ गो प्रदेश सभा में दू गो राजपा लड़ल, छ गो हमने लड़ने सन, जैमे पांच गो हमने के जीत हासिल कर। ऐसे हमने के पार्टी के दावी बा जे 1, 2, 3 नंबर जौन संघ के क्षेत्र बा,
ये हमने के जीतल क्षेत्र है, हमने के जनाधार भइल क्षेत्र है, ऐसे ही तीनों में दावी हमने के पार्टी अपने देखल हो कि न्यूज वैन तीनों में दावी बा। और जहाँ तक प्रदेश सभा के बात बा, प्रदेश सभा में हमने के 7 सीट पर गठबंधन में हमने के दावी पेश कैले बानी सर। और ओमे अब नेता लोग बैठ के छलफल कर रहा बा कौन सीट केकरा के दिया का मापदंड बा, विगत के स्थानीय निर्वाचन के भी मापदंड में बात आ रहा बा, 74 साल के समानुपातिक मत परिणाम के भी बात आ रहा बा। ऐसे हमने के दावी 3 गो प्रतिनिधि सभा और 7 गो हमारा जानकारी अनुसार जो कार्यदल में जो हमने के नेताजी बानी उनका से बात भइल तो कहीं 7 गो में हमने के दावी गइल बा। अब रह गई गठबंधन में कार्यदल में बैठ के छलफल हुई, जौन छलफल हुई पार्टी के माने के परी, ये हिसाब से हमने के प्रस्तुति वहाँ भइल बा। अगर भाग बंडा पर्सा जिला में मिलियो जात बाटे, गठबंधन होइए जात बाटे, होके भी करी 100% चांस होके भी करी गठबंधन हो जात बाटे, तो एक दूसरा के रोगा लोग सपोर्ट करें मार्केट में, यानी कि आम पब्लिक भी, आम जनता भी, कुछ और पार्टी के कार्यकर्ता लोग भी बात उठा रहल बानी अब की बार गठबंधन के सरकार में, अब की बार गठबंधन में बेसी अंतर्घात देखे के मिली और उ अंतर्घात के फायदा दोसर पार्टी ली कह के, वास्तव में अंतर्घात होखबे करी। प्रश्न अपने के बड़ा सांदर्भिक बा, बड़ा सीरियस प्रश्न बा। स्थानीय चुनाव जो भक्खर बीतल बा, वो स्थानीय चुनाव के परिणाम अनुसार कहीं ना कहीं मन में शंका बा, लेकिन आवे वाला जौन संघ और प्रदेश के चुनाव हो, ये देश के नीति निर्माण करे वाला, देश के संवैधानिक संविधान प्रति वफादार रहे वाला, संविधान में भइल त्रुटि के संशोधन करे वाला, देश में अमन चैन शांति व्यवस्था कायम करे वाला, देश के सर्वोच्च निकाय के चुनाव हो रहा बा जौन के संसद कहा जाला। और संसद के चुनाव में जौन एगो उद्देश्य के साथ, जौन लक्ष्य के साथ गठबंधन भइल बा हमनी के 5 गो दल के, उ लक्ष्य प्रति अर्जुन दृष्टि अगर राह के हमने चुनाव में आगामी एक दूसरा के सहयोग नहीं किसन करत, तो गठबंधन के कौन औचित्य ना हो सकता। ऐसे हमरा लागता विगत के स्थानीय चुनाव से बहुत चीज हमने सीख ले बानी सर, बहुत चीज लेसन लर्न हो गई बा, उसे आवे वाला दिन में गठबंधन ईमानदारी पूर्वक जौन पार्टी के जहाँ सीट मिली, 5 दल एकदम तारुता के साथ मन वचन एकदम पवित्र करके, जौन 5 दलीय गठबंधन के उद्देश्य बा, जौन ध्येय बा, जौन एक विजन बा, उ विजन के स्थापित करे खातिर और देश में जौन संघीयता, समानुपाती समावेशिता, सामाजिक न्याय, गणतंत्र के संस्थागत करे खातिर जितना भी अधिकार से वंचितीकरण जो लोग पड़ल बा, आज खास करके हमनी के भूमि पर बैठे वाला, मधेश के भूमि में बैठे वाला लाखों नागरिक, अभी अपना के नेपाली नागरिक नहीं के कह सक, नागरिकता से वंचित बा, यावत समस्या के साझा समस्या समझ के 5 दल गठबंधन के लिए बा, और एकरा के संबोधन करे खातिर, उपलब्धि के बचावे खातिर, और जौन अधिकार हमनी के नहीं के मिलल उ अधिकार के संविधान में सुनिश्चितता खातिर गठबंधन भइल बा। ऐसे सब पार्टी ईमानदारी के साथ गठबंधन प्रति पवित्र मन से वोट दी और जौन एगो गठबंधन के उद्देश्य बा ओकरा के परिपूर्ति करे खातिर हमरा लगता गद्दारी होई वैसन बात हमरा दिमाग में अंतर्घात ना होई। जिला अध्यक्ष रुगा बानी जसपा पार्टी के और साथ में कांग्रेस के भी जिला अध्यक्ष बानी लो, रुगा लोन का वो बैठ के अपन जिला में समन्वय के लिए बानी लो, कोन आधार बनेले बानी लो? देखिए क्या भाई, जिला के मापदंड के आधार के चुनाव ना, हमने स्थानीय तह में जी हमनी के जिम्मा मिल रहे, स्थानीय तह के निर्वाचन में गठबंधन करे खातिर जिला अध्यक्ष लोग के कार्यदल बना रहे, 5 गो जिला अध्यक्ष के कार्यदल बना रहे, लेकिन संघ और प्रदेश के चुनाव कहल राष्ट्रीय लेवल के, प्रदेश लेवल के चुनाव हो, ऐसे जौन मापदंड बनल बा केंद्र में बनल बा, केंद्र में हरेक लेकिन यहाँ तो मिलो मतो देखे के मिलल ना सर, मिलो मतो बा हमने में आज भी कहा कि कांग्रेस भी अपन हरेक सीट के सिफारिश के लेवा, जसपा जनता समाजवादी पार्टी भी अपन हरेक सीट के प्रदेश सभा के प्रतिनिधि सभा के उम्मीदवार के सिफारिश के ले बा, लेकिन हमनी के सब कोई के विश्वास बा जे हमनी के नेता लोग जौन केंद्रीय स्तर में बैठ के जौन छलफल कर रहल बा लोग, रात दिन 8 बजे सवेरे बैठे ता लोग, 12 बजे रात तक ले बैठे ता लोग, इतना लंबा बहस उन लोग के बीच में हो रहा बा, ऐसे उ लोग जौन निर्णय करी हमनी के नाम गइल बा तो कहा, लेकिन जौन निर्णय करी ओकरा के हमनी स्वीकार करम सन, कह के हमनी के दल के बीच में
अनौपचारिक छलफल होता जो मीडिया में नहीं किया होता हमके बीच में, लेकिन सहकार्य बा छलफल होता एक संबंध में। सामाजिक संजाल में आज एगो सवेरे से ही देखे के मिलल बटे, विभिन्न पत्रकार लोग के पर्सनल फेसबुक आईडी से राष्ट्रीय लेवल के जितना भी ऑनलाइन खबर से भी देखे के मिल रहा बाटे, परसा जिला में भाग बंडल ला गई कह के एक नंबर क्षेत्र और दो नंबर क्षेत्र जसपा पार्टी और तीन नंबर और चार नंबर क्षेत्र नेपाली कांग्रेस। वास्तव में कहाँ तक सत्य तथ्य ये न्यूज रहा बाटे, भाग बंडा कन्फर्म भइल बा कि ना परसा जिला में? अब सामाजिक संजाल में भी आयल बा, ऑनलाइन मीडिया में भी आयल बा, राष्ट्रीय स्तर काठमांडू बेस के मीडिया लोग मीडिया के में भी आयल बा। ऐसे एकरा के हम इनकार नहीं कर सकते, लेकिन जब तक पांचू गठबंधन दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लोग के सिग्नेचर होके हस्ताक्षर होके चले प्रेस रिलीज नहीं किया हो, तब तक ये हक कह के ना कह सकल जाता। बहुत संभावित छलफल भइल बा एक दो जसपा के तीन चार का, स्वाभाविक बा, ये बात आइल हुई, लेकिन एकर मूर्त रूप तब दियाई जब हमने के पांचों अध्यक्ष के नीचा सिग्नेचर होके जब पेपर आउट हुई। ऐसे ये अभी छलफल के क्रम में बा, छलफल में दू गो जसपा के दू गो कांग्रेस के, ये बात हो सकता है, स्वाभाविक एकरा के स्वीकार कर सकल जाता, मान सकल जाता, लेकिन ऑथेंटिक वो बेरा मानल जाये जब वो में सिग्नेचर होके बाहर आई। ऐसे छलफल के क्रम में बा मीडिया के साथी लोग फोन करत हुई का हो रहा बता, हाँ संभावित एक दू जसपा के तीन चार कांग्रेस के देवे कैसन वातावरण हमी के बंद रहल बा, छलफल हो रहल बा, वह चीज बाहर आयल बा। जौन गृह कार्य करके जौन जौन चीज लिखा था वह चीज आ रहा बा, आधिकारिक चीज अभी बाहर, आधिकारिक चीज कहल का बा कि जब तक सिग्नेचर ना हुई तब तक वर्ग अधिकारी ना मान, छलफल के क्रम में बा ये चीज बुझे के पड़ी। परसा जिला में सर जहाँ तक बात कैले जसपा पार्टी के जितना भी नाम सिफारिश भइल बाटे, उ जितना भी नाम सिफारिश भइल बाटे उ नाम से आम कार्यकर्ता चाहे आम जनता चाहे पार्टी के रउआ लोग इनके नेता संतुष्ट बानी लो एकदम, कारण कि पार्टी विधि विधान से चलेला, प्रक्रिया नीति नियम से चलेला। हमने के केंद्रीय सर्कुलर अनुसार जौन परिपत्र आई रहे वो परिपत्र के अनुसार प्रदेश सभा खातिर हमने के प्रदेश सभा क्षेत्र के एगो समिति बा, प्रतिनिधि सभा क्षेत्र खातिर प्रतिनिधि सभा के एगो क्षेत्रीय समिति बा जनता समाजवादी पार्टी के, ओमे उ बैठक से ओमे खाली समिति के लोग ना कि हमने के जे कार्यकर्ता उ क्षेत्र में बा एक्टिव मेंबर बा लोग उ सब कोई के राह के कोई के चीज दिखावे के काम नहीं कर सके। अपने जे जे इच्छुक बानी कि उ समानुपातिक में इच्छुक बा तो समानुपातिक में नाम दिलक, जे इच्छुक बा प्रत्यक्ष में लड़े के उ प्रत्यक्ष में नाम दिलक, उ प्रदेश प्रादेशिक क्षेत्र समन्वय समिति हमने के सिफारिश कैलक, प्रतिनिधि सभा में प्रतिनिधि सभा के उम्मीदवार सिफारिश कैलक, ओकरा बावजूद भी हमने पूरा क्षेत्र में परिपत्र कहीं अगर अपने के कोई नाम सिफारिश नहीं है कैले जबरदस्ती कैले बा, अपने इच्छा रखते हैं जो हमारे चुनाव लड़े के इच्छा बा, तो अपने आके जिला समिति में निवेदन दी, अपने के नाम जिला कमेटी से निर्णय करके हमने प्रदेश में पठायब सन, वैसनो हो। ऐसे परसा जिला में चुनाव लड़े के भावना बोकल इज द भावना लेवल कोई भी नेता कार्यकर्ता के हमने चित नहीं खींचा दुख कैले, सब कोई के नाम हमने कहगत, आठों प्रदेश सभा क्षेत्र के चारू प्रतिनिधि सभा क्षेत्र के जितना नाम आयल हमने के पठावे का अधिकार रहे पांच गो तक, लेकिन हमने में कहीं तीने गो आई, कहीं दुए गो आई, कहीं पांचों गो आई, कहीं छओ गो आई, लेकिन उस सब नाम के हमने जिला समिति से प्रदेश में पठा देने थे ना, प्रदेश के काम वहाँ से शॉर्ट करेगा, यानी तीन गो प्रत्यक्ष में आ समानुपातिक में पांच गो महिला पांच गो पुरुष एगो जिला से वो प्रदेश सभा निर्णय करके भाई प्रदेश समिति निर्णय करके वहाँ केंद्र में पठैले बा। ऐसे हमने के टिकट के संबंध में सिफारिश के संबंध में आम कार्यकर्ता के बीच में कोनो किस्म का असंतुष्टि अभी तक कहीं से नहीं है, यानी कि कोनो ऐसा माने कोनो क्षेत्र से नहीं है, कोनो क्षेत्र से नहीं है। कार्यकर्ता और भी बात उठा रहल बानी, जितना भी समानुपातिक से नाम सिफारिश भइल बाटे उ लोग कह रहल बानी जे नेताजी लोग अपन नजदीक के आदमी लोग के नाम समानुपातिक में सिफारिश कर रहल बानी, वास्तव में रउआ लोग इनका हिसाब से सिफारिश के लिए बनी? वो पहले ही हम कहने क्षेत्र से नाम आयल बा, चाहे कोई के नेता के संबंधित हो ना हो खो, लेकिन हमने के कैडर होके पड़ल पार्टी के पहले से उ पार्टी के सदस्यता लेवल व्यक्ति बाकी ना बा, पार्टी में क्रियाशील बाकी ना बा, पार्टी में उस संलग्नता अगर कितना हद तक ले बा, उ सारा चीज के मापदंड के आधार में ही नाम आयल बा। लेकिन अपने के समानुपाती के नाम अगर जब लिस्ट जारी करी निर्वाचन आयोग तो अपने देखे के मिली, हमरा लागत देखे जे कोई अपन नाता गोता पार्टी के कैडर के छोड़ के अपन कोई स्वार्थ पे निहित होके
सिफारिश भइल बा और में नाम आइल बा वैसा शायद देखे के ना मिले जैसे हमारा लागत लेकिन यहाँ से नाम गई बा 40 गो तो हो सकता तो हमें पाँचे गो पड़ल हुई ना 45 गो ना पड़ी लेकिन जो नाम पड़ी तो अपने के देखे के मिली जो हाँ पार्टी के कैडर है कि हुए कि ना हुए पार्टी के नेता हुए कि ना हुए पार्टी प्रति कितना ईमानदार रह ले वो तो देखे के मिली अपने के ऐसे में कहीं कौन असंतुष्टि आई कह के हमारा नहीं खेला सर रउआ फरसा जिला में निरंतर घूम रहा बानी आम जनता से भेंट घाट कर रहा बानी हर गाँव ठाव में एकदम मेहनत कर रहा बानी फरसा जिला के जनता अब की बार जसपा प्रति यानी जसपा पार्टी के प्रति कैसन प्रतिक्रिया रहल बाटे देखिए जनता समाजवादी पार्टी इस देश में आमूल परिवर्तन ले आवेला पार्टी है इस देश के सिस्टम परिवर्तन करे वाला पार्टी है इस भूमि पर एगो विद्रोह करके सदियों से दो नंबर के नागरिक देखल जाते रहे यहाँ के बासिंदा के सदियों से यहाँ के लोग के पहुंच में कमी रहे वो चाहे सरकारी सेवा में कहीं चाहे शिक्षक पेशा में कहीं चाहे अन्य जितना भी सेवा ग्राही जो संस्था बा से जो सेवा प्रदायक संस्था बा उस सेवा ग्राही लोग जाए तो पहले अपन अनुहार के लोग का देखे के ना मिले लेकिन आज मधेश विद्रोह के दिन हो कि आज समानुपातिक समावेशिता संविधान में लिखाइल बा और लोक सेवा आयोग से जब विज्ञापन होता तो वहाँ हमने के मधेसी महिला आदिवासी जनजाति मुस्लिम के कोटा छुटा हो जाता है कहाँ रहे 63 से पहले रहे 62-63 के आंदोलन से पहले ये चीज तो ना रहे लेकिन यह पार्टी के दिन है जी आज हमने के चेहरा शाखा अधिकृत कहीं सुब्बा कहीं एसपी मैंने कह रहे एसपी तक तो अभी खुलियान इंस्पेक्टर में और सही में नाम निकाल के आज मधेसी कहीं मुस्लिम कहीं महिला कहीं दलित कहीं सारा चेहरा दिखाई देता ना ये पार्टी के सबसे महत्वपूर्ण बात है दूसर का बात जौना खातिर हमने के शहीद लोग यहाँ जौन अपन खून से धरती के रंगले बा पहचान खातिर हमने के पहचान ना रहे जो हमने कहा है मधेसी कहला पर हमने के देखे वाला नजरिया का रहे लोग के लेकिन आज हमने के सरकार रहे अभी के मधेश प्रदेश में तो मधेश प्रदेश के नाम जोन लिखा गईल वो पहचान हमने के मिलल बा ऐसे जनता समाजवादी पार्टी जोन मुद्दा पर अगाड़ी बढ़ रहे वो मुद्दा बहुत चीज स्थापित कर दिल बा जौना के चलते जनता बुझ रहल बा जे हाँ यह पार्टी बा जे हमने के सम्मान बा इज्जत बा पहुंच बा जनता के कुछ दल लोग कुछ विपक्षी दल लोग भड़का रहल बा नहीं जे जसपा पार्टी के लोग अभिन तक कैलक तक आ गेलक लाश पर राजनीति करके जीतल लोग और फिर दोबारा लाशे पर ही राजनीति करके जीती लोग के कुछ विपक्षी दल लोग के ऐसा आम जनता में भ्रम फैला रहा है एकदम एकदम अपने के तुम भ्रम फैला होता लोग का लेकिन जनता भी बुझ रहा बनो के का कह रहा बा काल के जौन हम बात बतैनी अपने के पहचान के बात कहीं अधिकार के बात कहीं दलित लोग के मुस्लिम लोग के महिला लोग के पहुँच के बात करी सम्मान के बात करी ये सारा चीज 62-63 से पहले कल्पना करी तो रहे ना रहे लेकिन आज जो जे दल एक एक दल तक कहते हैं अभी तो 5 दल तो गठबंधन में बा जे जे 5 दल एक दूसरा के तो हमें शिकायत ना कर सकता एक एक दल बा नेकपा ए माले जवन नेकपा ए माले हाले साल प्रतिनिधि सभा और राष्ट्रीय सभा के बहुमत से पास करके जो नागरिकता विधेयक गईल बा ओकरा के राष्ट्रपति जी प्रमाणीकरण ना कहीं नहीं लेकिन संसद विघटन करे के होके तो कलम लेके तैयार रही खाली वहाँ टेबल पर पुगला के देरी बाकी सिग्नेचर हो जाए तो यहाँ विभेद तो जनता बुझ रहा बा ना देख रहा बा ऐसे भ्रम के खेती बहुत दिन ना चलेला अगर जौन पार्टी भ्रम के खेती करी यथार्थ छोड़ के खाली भ्रम फिजाई लोग ओकरे के भ्रम के नजर से देखे लागी ऐसे जो जे पार्टी अभी भ्रम फैला रहल बा ओके जनता अच्छा से चिन्ह रहल बा हरेक ई पांचो गठबंधन से जनता के तो दिलो जान पर अभी नहीं ये बैठ बैठले बैठले बा नगरता ई लोग पास ना के अब तत्काल के ई मुद्दा है नो जे लोग मधेश के लोग के देख नहीं के लोग चाहत ऐसा भी आप फेसबुक में देखत हो के हम कितना लोग वीडियो अपन डालता है जे हम 25 बरस के हो गए नहीं हम इंजीनियर हैं हम बैचलर पास कर गेल बानी लेकिन हमरा नागरिकता बिना कहीं अप्लाई करे के नहीं मिलत तो आदमी के ऊपर का भी तो सैकड़ों जनता के नागरिकता भी बना के रखल बा नेकपा एमाले पार्टी बंधक बना के रखल बा नहीं बने देत क्या सारा जे जे जन्म सिद्ध नागरिकता ले ले बा नेपाल में का सब इंडियन है नेपाल वो जन्म सिद्ध
नागरिकता ले ला, लेकिन ओकर बाल बच्चा के जन्म तो नेपाल में भेल बा ना, तो कानून तो ओकरा के तो नागरिकता देवे के परिणु बन सर, लेकिन वह चीज के घेर के आज हमनी के ऐसन ऐसन लोग जे पढ़ लिख के भी बेरोजगार होके घूम रहल बा, अपना ओकर पहचान नहीं है जे हम कौना देश के वासी हैं, ओकरा पहचान तो नहीं है ना जे हम नेपाली हैं, जब तक नागरिकता ना मिले तो ओकरा कैसे हम कही जे हम नेपाली हैं, तो उ एगो पहचान से वंचित कर जाता, अधिकार से वंचित कर जाता, तो उ पार्टी के तो लोग चिन्ह था, ऐसे भ्रम के खेती बहुत दिन ना चली, आवे वाला चुनाव में चीरल जाय, आ जोन ई जोन नागरिकता विधेयक तो अब सर्वोच्च में गई ले बानो, कारण देखो आदेश तो भइले बा, लेकिन वो भी अधिकार ये जनता समाजवादी पार्टी स्थापित करी, दूसरा से वो कहला नहीं के सहकार अन्य दल के हो सकता, लेकिन मुख्य एजेंडा हमनी के हो। सर हमने कार्यक्रम का अंत में आ चुकल बनी, सर कार्यक्रम का अंत में वो लास्ट प्रश्न बाटे, अब की बार जनता जसपा पार्टी के वोट काहे दी? वे हम कहनी अपने से जनता समाजवादी पार्टी विगत ई 5 वर्ष में दो किस्म से नीतिगत परिवर्तन एगो देखल जाए, यानी संवैधानिक परिवर्तन, संविधान त हमनी के जौन वंचित रहने सन उ चीज स्थापित कर रहल बा जनता समाजवादी पार्टी, संघीयता के मुद्दा जनता समाजवादी पार्टी के हैं, अगर इस देश में संघीयता ना आई रही ताज गांव पालिका उतना अधिकार संपन्न स्थानीय सरकार कहलाता, वो एजेंडा जनता समाजवादी पार्टी के है, ऐसे गांव गांव में जो विकास देख रहा बानी वो विकास के सूत्रधार करे वाला, विकास के अगाड़ी बढ़ाए वाला पार्टी जनता समाजवादी पार्टी है, चाहे कोई भी मेयर में कोनो पार्टी जीतो, लेकिन संघीयता का मुद्दा जनता समाजवादी पार्टी का, ऐसे अपने के सरकार अपने के घर में सरकार देवे वाला काम के लिए बा, उसे जनता हमने प्रति समर्पित रह के वोट दी, एक दूसर का समानुपातिक समावेशिता के आधार पर जौन संविधान में लिखा गया बा, जमना के लोक सेवा आयोग में आज हमने के बाल बच्चा मधेसी में कोटा में हर एक निकाय में जाके फॉर्म भरता विज्ञापन भरता उसमें पास होता, तो वो आरक्षण देवल के कर जनता समाजवादी पार्टी के है, बहुत बड़ा चीज है, साधारण चीज नहीं कि एक के रोड या नाला से या पीच से जोड़े वाला अवस्था नहीं है, दूर ये हमने के पीढ़ी दर पीढ़ी खातिर हमने के आवे वाला संतान खातिर आवे के वाला भविष्य लोग खातिर जनता समाजवादी पार्टी जो कह दिल बा आज कोनो पार्टी ना किले रहे। तीसरका बात हमने के एगो पहचान मिलल बा, हमने मधेश प्रदेश के वासी हैं सन, मधेश नामकरण अगर का देखनी नाम अगर मधेश प्रदेश जैसा लिखाएल वो दिन काठमांडू में विचलन हो गई रहे, आज ये मधेश प्रदेश के चलते एक नंबर प्रदेश अभी एक नंबर बा, वहाँ के किरात लोग अब अपन पहचान मांग रहा बा, वो देवे के भी चाहे न, अब नदी के नाम में पहाड़ के नाम में अपने कौन ये संहिता के तो कल्पना ना कल गई रहे, अपने गंडकी प्रदेश बनाई, अब वह जौन राजा काल में महेंद्र जौन नामकरण गए ओकरे पीछे पीछे हमने जाए जाए देश 21वीं शताब्दी में चल रही युग 21वीं शताब्दी में मानो, तो नया प्रविधि बा नया टेक्नोलॉजी बा, अब हरेक कोई अपन पहचान खोज रहा बा अपन अधिकार खोज रहा बा, ये आधार पर तो उ चीज के आकलन करके ना नामकरण करे के पड़ी, आज ये 3 गो एजेंडा जनता खातिर भरपूर परिवर्तन है, भरपूर जनता समाजवादी पार्टी कैले बा, बाकी विकास के जितना एजेंडा चल रहा बा वो विकास तो निरंतर प्रक्रिया है, लेकिन वो संघीयता ना रही तो अपने के गांव पालिका लोग गाड़ी पर ना चढ़ी ता करोड़ों रुपए के बजट वार्ड में ना चली, ये जनता समाजवादी पार्टी कैले बा, ये चीज जनता में हमने बुझाएम सन जनता बुझी, और ऐसे भी अभी भी बहुत कुछ करके बाकी बा, ओकरे खातिर जनता समाजवादी पार्टी के अपने के जितावे खातिर जनता में हमने अपील करम सन। सर एक और सामाजिक संताल में काल के न्यूज देखे के मिल बटे, बहुत ही वालों के फेसबुक पर्सनल आईडी से मधेश विश्वविद्यालय के अगाड़ी बकरा खड़ा रहे और वो बकरा के फोटो खींच के कुछ बहुत किस्म के अनेक प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ियावल गई, लेकिन समग्र रूप में एक ही चीज वहाँ लिखल गई बाटे जे ई लॉलीपॉप एकरा के चुनाव भर ही मधेश विश्वविद्यालय यहाँ बनावल गई बाटे, चुनाव बीतते मात्र में यहाँ से यो जनकपुर चल रही है, इस सोच गलत सोच बा, मधेश विश्वविद्यालय बड़ा परिश्रम के बाद मुख्यमंत्री जी आज 20 बरस से वीरगंज के नेता लोग वीरगंज वासी जौना बेला गाबी से रहे ओह बेरा लाखों 2 लाख रुपया जमा कर करोड़ों रुपया का फंड जमा भइल बा, एगो संसद में पेश करे खातिर यहाँ के वीरगंज विश्वविद्यालय के विधेयक खातिर 50 नेता लोग के जूता खिया गेल नेता के दुआरी दौड़त दौड़त, लेकिन वो चीज ना भइल, लेकिन आज संघीयता आइल तो संविधान में लिखल बा प्रदेश के अधिकार बा विश्वविद्यालय खोले के, अगर प्रदेश में वो अधिकार ना रही तो वीरगंज में विश्वविद्यालय ना खोली,
आ वीरगंज विश्वविद्यालय वीरगंज में रही आ वीरगंज में बनी ई भ्रम जे करतलो जे चुनाव के हो चल जाए जनकपुर तो ना जाए जनकपुर में तो ऑलरेडी बाटे विश्वविद्यालय स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान के खुलल वो भी तो विश्वविद्यालय कृषि विश्वविद्यालय सप्तरी में नहीं खे वीरगंज में ही रही और जहाँ एगो प्रश्न कहनी हो जे बाखरा बा तो बड़ा गैर राजनीतिक बात बा गेट बंद बा वहाँ बड़ा बड़ा गाछ बा रोडे रोडे अपने के अष्टमी के दिन जो हमने के एगो हिंदू धर्मावलंबी अनुसार माता गहवा के चाहे और माता लोग के बलि चढ़ेला तो वो बलि खातिर व्यापारी लोग खुशी लेके बाजार में घूम रहा बा तो सी डी ओ ऑफिस के गेट पर भी बाटे वही वहाँ जब छारी बा तो घाम में तो लोग ना बैठे तो लोग जाके गाछ के लिए खड़िया था संजोग से गेट ओकर उतही बा आ ओकरे फोटो खींच कर डाल देता नहीं कितना राजनीतिक व्यक्ति अपना ऐसे मध्य प्रदेश पर प्रश्न उठावल बेकार बा आई मेला के समय में बाखरा के फोटो खींच के सब लोग बुझाता ऊपर देखे ना कमेंट लोग का कहिले यानी कि वो विपक्षी दल लोग ही काम रहल बा ना तो कमेंट करी तो ऐसा कमेंट करी जौन से प्रभाव पड़े अब गाछ के लगे बा छहारी बा व्यापारी में बैठल बा पांच गो खुशी लेके बेचारा ठंडा में बैठ के अपन बार्गेन बेचता व्यवसाय करता व्यापार करता अब ओकरा के लेकर अपने मधेश यूनिवर्सिटी से जोड़ता नहीं जो बाखरा के नामांकन करे अभी अब का कहल जाए अब मत बोलवाई ऐसे मधेश यूनिवर्सिटी यही तंग रही परसा जिला में वीरगंज ना रह सकता लेकिन पोखरिया बन सकता परसागढ़ी बन सकता अपने के छिपरवाई में जाके बन सकता लेकिन परसे जिला के भूमि में बनी जहाँ उपयुक्त वातावरण हुई उपयुक्त जगह व्यवस्थापन हुई उस जगह पर मधेश विश्वविद्यालय बनी आ मधेश विश्वविद्यालय चली ओकरा कोई नहीं रोक सकत यहाँ से जाए वाला चीज ना हो। कार्यक्रम का अंत में सर समग्र रूप में परसा जिला के जनता से वो क्या कहे के चाहे बस परसा जिला के जनता से हम अपील करे के चाहे कि पांच वर्ष के बाद बहुत बड़ा एगो पर्व आवधिक निर्वाचन आयल बा बिहान के दिन खातिर अपन बाल बच्चा के अपन भविष्य खातिर यहाँ के सदियों से अपहेलित समुदाय जौन बा दलित के नाम में हो को मुस्लिम के नाम में हो को जनजाति के नाम में हो को आदिवासी के नाम में हो को थारू के नाम में हो को ये सब चीज ये सब वर्ग के उत्थान खातिर जौन एगो हमें नेपाल में गठबंधन बनल बा गठबंधन से कहीं कांग्रेस लड़ सकता कहीं जसपा लड़ सकता कहीं माओवादी लड़ सकता कहीं राष्ट्रीय जनमोर्चा लड़ सकता कहीं नेकपा यस लड़ सकता इस गठबंधन के मजबूत करके देश के विधि के शासन स्थापित करे खातिर संविधान के रक्षा खातिर संघीयता के मजबूत करे खातिर गठबंधन के वोट दे के जवन मंगसिर चार गत होके वाला चुनाव में ज्यादा से ज्यादा मत दे के जिताई और नेपाल और नेपाली के भविष्य सुरक्षित करे खातिर हम सब लोग में अपील करे के धन्यवाद सर समय देने के लिए धन्यवाद नमस्कार। आदरणीय दर्शकवृंद सब समय विषय पे निरंतर चर्चा रेडियो सानवी के प्रस्तुति कार्यक्रम आमने सामने के साथ रहुआ सुननी और सुन रहा बन और हमने के साथ में आज परसा जिला के जिला अध्यक्ष राम नरेश यादव सरवानी जसपा पार्टी जहाँ तक बात के लिए परसा जिला में विभिन्न किस्म के प्रश्नवाचक चिन्ह कुछ विपक्षी लोग खुलियाम लगा रहल बाटे लेकिन उ भ्रम में ना पड़े के पड़ल सत्य तथ्य छाने के पड़ल राम नरेश सर भी बात कहानी है। आदरणीय दर्शक भी समय पर ध्यान देते कार्यक्रम आमने सामने सम कार्यक्रम प्रस्तुता विशाल यादव भी छुटे जाए सुनत रहे रेडियो सानवी 96.4 मेगाहर्ट्ज नमस्कार प्रणाम। वीरगंज महानगरपालिकाको नक्सा पास सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना यस वीरगंज महानगरपालिका अन्तर्गत पर्ने एक नम्बर मेन रोड उत्तर गण्डक चौकदेखि पावर हाउस घण्टाघर माईस्थान महावीर स्थान आदर्श नगर अलख्या मठ मन्दिर बिरता मन्दिर सिगरेट फ्याक्ट्री गेट नारायणी अस्पताल वीरगंज भन्सार कार्यालय हुँदै दक्षिण शंकराचार्य गेटसम्म रोडका दायाँ बायाँ निर्माण भएका घरहरूको यस वीरगंज महानगरपालिकाबाट नक्सा स्वीकृत भए नभएको सोको साबुत प्रमाणली सूचना।